हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल एपिसोड प्रो। मैं हूं शुभंकर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे न्यू वोटर लिस्ट पब्लिश हो चुका है कल की डेट में, तो उसको किस तरह से डाउनलोड करना है, कहां से डाउनलोड करना है, ठीक है। तो सारे के सारे हम इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर आए एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास चला जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको गूगल क्रोम वेब ब्राउजर में जाना है एंड यहाँ पर एड्रेस बार में लिखना होगा nvsp.in, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। ये जो है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लुक आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है। देखिए यहाँ पर चार पांच ऑप्शन आपको दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए सार्स इन इलेक्ट्रल रोल फॉर्म्स ट्रैक योर एप्लीकेशन, यहाँ से आप अपना जो एप्लीकेशन देख सकते हो उसका स्टेटस क्या है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड इलेक्ट्रल रोल PDF एंड नो योर असेंबली पार्लियामेंट्री, ठीक है। तो हमको देखिए यहाँ पर फोन नंबर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर जो फोन नंबर है डाउनलोड इलेक्ट्रल रोल PDF, तो हमको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पर एक न्यू विंडो खुल के हमारे सामने आ गया। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बोल रहे हैं कि अपना आप अपना स्टेट सिलेक्ट करो, ऐसे आपका जो भी स्टेट है ऐसे आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। तो देखिए मैं मेरा जो स्टेट है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो देखिए मैं अभी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, तो मैं अपना वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लूँगा। आप कुछ भी ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं वेस्ट बंगाल को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको गो, तो इस गो ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप गो ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, देखिए ये साइट जो है रिडायरेक्ट होगा, एक न्यू पोर्टल पे हमको लेके आया है। ये जो है वेस्ट बंगाल का ऑफिशियल वोटर सर्विस का जो पोर्टल है, ठीक है। हर स्टेट का एक अलग वोटर का पोर्टल होता है, ठीक है। तो ये जो है वेस्ट बंगाल का वोटर सर्विस, देखिए यहाँ पर चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर वेस्ट बंगाल, ठीक है। और पहले जो पोर्टल मैंने दिखाया था वो जो है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है, उस पोर्टल को सारे लोग यूज कर सकते हैं इस कंट्री का, ठीक है। इंडिया के सारे लोग उस पोर्टल को यूज कर सकते हैं, लेकिन इस पोर्टल को सिर्फ वेस्ट बंगाल के जो लोग है उस लोग के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर देखिए आपको डिस्ट्रिक्ट नेम दिख जाएगा। तो जितने भी वेस्ट बंगाल में डिस्ट्रिक्ट है वो सारे के सारे देखिए यहाँ पर दिख जाएगा। तो मैं कोई भी एक चूज कर लेता हूँ, मैं कोलकाता साउथ को चूज करता हूँ। न्यू पोर्टल पे हमको लेके आ गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर चार पास आपका जो भी एससी है, जो भी आपका असेंबली है, ठीक है, यहाँ पर दिख जाएगा एससी नेम। यहाँ पर देखिए एससी नंबर शो हो रहे है, यहाँ पर देखिए एससी नेम। तो जो भी आपका एससी होगा यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। तो मैं कोलकाता पोर्ट को क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं क्लिक कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने खुल के आ गया है। ये जो है देखिए पोलिंग स्टेशन नेम है, इसको किस तरह से आप शॉर्टकट से ढूंढ सकते हो। आपका जो भी पार्ट नंबर होगा, आपका शायद पता होगा आपका जो भी पार्ट नंबर है, अगर नहीं पता है तो आपको यहाँ पर आ जाना है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल में। यहाँ पर देखिए नो योर असेंबली, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए उसको डिटेल्स को निकालने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है। जैसे आप यहाँ पर आ जाओगे, देखिए आपका देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पर पार्ट नंबर शो हो रहा है। तो ये पार्ट नंबर जो भी है आपको ऐसे अपना जो भी पार्ट नंबर है यहाँ पर आपको ढूंढ लेना है। तो मैं कोई भी एक पार्ट नंबर को ढूंढ लेता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने ढूंढ लिया, यहाँ पर देखिए राइट साइड में दो ऑप्शन है, एक है ड्राफ्ट रोल। तो ड्राफ्ट रोल को इसलिए निकाला गया था पहले कि आपका अगर कुछ डिटेल्स मिस्टेक है या रॉन्ग है तो उसको किस तरह से करेक्ट करना है, तो करेक्ट करने के लिए टाइम दिया गया था। तो उसके बाद देखिए अभी फाइनल लिस्ट आ गया है कल के डेट में, तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। एक दिन मुझे लेट हो गया, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पर एक कैप्चर कोड हमारे सामने आ गया है। तो उस कैप्चर कोड को हमको फिल करना होगा, तो मैं यहाँ से फिल कर लेता हूँ एंड आगे का जो भी प्रोसेस है आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए मेरा जो कैप्चर कोड है मैं फिल कर लिया, सॉरी रॉन्ग हो गया कैप्चर कोड। जो कैप्चर कोड है मैं इसको डाल दिया एंड वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक कर दिया, देखिए ये पेज जो है रिडायरेक्ट हो चुका है एंड यहाँ पर थोड़ा टाइम आपको वेट करना होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे थोड़ा टाइम हो जाता है, तो थोड़ा प्रोसेस लेने के बाद यहाँ पर देखिए एक न्यू विंडो हमारे सामने खुल के आ गया है, फाइनल रोल। देखिए यहाँ पर देखिए आप सारे देख सकते हैं, यहाँ पर आपका पार्ट नंबर दिख जाएगा, यहाँ पर आपका देखिए जो असेंबली है,
यहाँ पर जो नेम है असेंबली का यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सारे के सारे डिटेल्स यहाँ से आप देख सकते हो। देखिए इस जो लिस्ट है 21 डेट में पब्लिश हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पर 27 फरवरी को ये पब्लिश किया गया है, यानी कल के डेट में ये पब्लिश हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रोल आइडेंटिफिकेशन, देखिए यहाँ पर सारे के सारे डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर देखिए जो एड्रेस है इस पोलिंग स्टेशन का, देखिए ये ग्राम पंचायत में है, ठीक है। सारे के सारे यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में है, सारे के सारे यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ सीरियल, देखिए एक नंबर, एंड एंडिंग ऑफ सीरियल 736, यानी एक नंबर से स्टार्ट होकर ये 736 नंबर इस असेंबली में वोटर है। उसके बाद देखिए मेल कितना है 460, उसके बाद देखिए फीमेल कितना है 276, उसके बाद देखिए टोटल कितना वोटर है यहाँ पर, देखिए 736। उसके बाद जैसे आप पेज को स्क्रॉल डाउन करोगे थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर आपको नक्शा दिख जाएगा, जो भी असेंबली है उसका, जो भी आपका पोलिंग स्टेशन होगा उसका सारे के सारे नक्शा यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए गूगल मैप व्यू, वो भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखिए जो पोलिंग स्टेशन है उसका दो पिक्चर भी यहाँ पर अपलोड किया गया है, ठीक है। ये सारे के सारे आप यहाँ से चेक कर सकते हो। देखिए आपका जो वोटर लिस्ट है ये सारे के सारे यहाँ पर आ गया। ऑनलाइन वोटर लिस्ट अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर फोटो अवेलेबल है, लेकिन फोटो नहीं दिखाता है। अगर फोटो वाला वोटर लिस्ट आपको डाउनलोड करना है, वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप लाइव देख सकते हो किस तरह से कलर वोटर प्रिंट किया जाता है, वो भी वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ से देखिए आप सारे के सारे सीरियल देख लीजिए। यहाँ पर देख अपना नाम यहाँ पर आपको ढूंढना होगा, ठीक है। अगर आपको सीरियल नंबर पता है तो एक मिनट में आपको मिल जाएगा आपका नाम, नहीं तो आपको एक एक करके चेक करना होगा सारे के सारे, एंड उसके बाद आपको नाम ढूंढना होगा, ठीक है। तो ये तो आ गया वोटर लिस्ट। अब इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर ये जो लिस्ट है यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। ऐसे राइट क्लिक कर दोगे, देखिए यहाँ पर सेव एज यहाँ पर एक ऑप्शन है, या कंट्रोल एस भी आप प्रेस कर सकते हो, या डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हो तो कंट्रोल पी भी यहाँ पर प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पर सेव एज पर जैसे आप क्लिक कर दोगे, देखिए यहाँ पर लोकेशन पूछ रहा है किस लोकेशन पे आपको सेव करना है, एंड जैसे यहाँ पर आप सेव कर दोगे ये जो है सेव हो जाएगा। तो मैं ऑलरेडी इसको सेव करके रखा हूँ, इसलिए मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो यही था आज का एक छोटा सा वीडियो। इस वीडियो को देख करके आप अपना वोटर लिस्ट देख सकते हो, जो कल के डेट में फाइनल वोटर लिस्ट है उसको पब्लिश कर दिया गया है। तो अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।